आठ विभाग विधि अनुसार किए कि भगवान देव परमात्मम शरणागतम देनाथम। आज भगवान अर्जुन को लेकर आज घूमने के लिए चले गए। आज ठाकुर जी है ना, अर्जुन को लेकर कहीं घूमने के लिए चले गए। एक गरीब आदमी आया, एक गरीब आदमी, अर्जुन जी मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो अर्जुन ने अपनी मणि ली, जिसकी कीमत करोड़ों अरबों में होगी, वो मणि लेकर उस गरीब को दे दी। वो गरीब बड़ा प्रसन्न हुआ, जब तो मैं पैसे वाला बन गया, मैं राज करूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा सोच कल्पना कर वो आगे चला गया। उसे प्यास लगी ना, तो सरोवर में जैसे पानी पीने का प्रयास किया, ऊपर की जेब में मणि थी, तो मणि जाकर धम से पानी में गिर गिर गिर। उसने इतने सपने सजाए थे कि मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं गाड़ी बंगला खरीदूंगा, और जैसे पानी पीने की उसने कोशिश की, आज वो मणि जाकर पानी में गिर गिर गिर। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। भक्तों फिर दौड़ा दौड़ा आया, अर्जुन जी वो तो मणि गिर गई। अर्जुन ने इतना सोना लिया, उसको दे दिया, भैया जाओ अपनी गरीबी दूर कर लो। वो सोना लेकर फिर सोचने लगा, जब तुम्हें करोड़पति बन गया, पैसे वाला बन गया, थोड़ी आगे गया, कुछ गांव के चोर आए, उसका सोना लूट लिया। कहते हैं कि जब भगवान दुख देते हैं तो कहीं कमी नहीं रहती। तो आज फिर आया लौट कर भगवान अर्जुन के पास में, अर्जुन जी वो सोना भी चला गया। तो अर्जुन कहने लगा, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने अब भगवान कहने, अर्जुन तुम रुको, अब हम देते हैं। भगवान ने 2 रुपए लिए, उस गरीब को दे दिए। समझना कथा को, 2 रुपए लेकर गरीब को दे, जाओ भैया अपनी गरीबी मिटा लो। अब वो गरीब भगवान वहां देखे कि भैया 2 रुपया में कौन सी गरीबी मिटी जा रही है। आज वो और आगे गया, तो कुछ समुद्र के किनारे जैसे पहुंचा ना, तो कुछ मछुआरे एक मछली को पकड़कर काट रहे थे, उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। इस आदमी को दया आ गई, कहने भैया तुम 2 रुपए ले लो, इस मछली को छोड़ दो। महाराज तुमने पता कहने के मछुआरे ने सोची 2 रुपए मिल रहे, हम तो दूसरा जाल फेंके तो फिर मछली पकड़ लिया। उसने मछली को मुक्त किया, मछली ले जाकर कमंडल में रख ली और चलता गया चलता गया। मछली को पता, मछली जैसे वो मणि गिरी थी ना, वही मणि जाकर इस मछली के मुख में प्रविष्ट हो गई थी। और आगे गया, न जाने क्या हुआ उस मछली को पेट में, उसने वो मणि को बाहर निकाल दिया कमंडल में। इसने मणि को देखा तो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मिल गई मिल गई मिल गई। वहीं पर चोर खड़े थे, चोरों ने सोचा कि हमारा पता मिल गया, तो चोर दौड़े आए, कहने भैया जो अपना धन ले लो और राजा से मत कहना। तो कहने का माध्यम है कि जो भाग में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और जो भाग में नहीं होगा तो भाग कर का पते क्या होगा, भूल तो जाता। जो भाग में होगा तो भाग कर आ जाएगा, जो भाग में नहीं होगा तो भाग कर चला जाएगा, भाग तो चला जाएगा। अर्जुन समझ गए, आज भगवान एक भौमासुर नाम का नरकासुर 16,000 सौ स्त्रियों का हरण कर ले जा रहा था, तो उन स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना की कि शरणागतम भगवान रूपम देव देव अहम रूपनम। भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ,
आज भगवान नरकासुर के साथ समुद्र में प्रविष्ट हो गए, पहुंच गए। नरकासुर ने संकल्प किया था कि मैं 20,000 विवाह करूंगा। कितने? 20,000। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया, इन स्त्रियों को मुक्त कर दो, क्यों पकड़ते हो? कहने मुझे विवाह करना है। कहने विवाह तब किया जाता है जब दोनों साइड से हाँ हो। ऐसा नहीं कि आपका मन है, सामने वाले का नहीं है, विवाह कर लिया। आज नरकासुर को भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना। भगवान ने आज उसके साथ युद्ध करके उसका उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जितनी भी वहां पर स्त्रियां थी, कहने ऐसा करो आप अपने घर चली जाओ। तुमने कहा मैं किस मुंह से घर चली जाऊं? इस पापी ने, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, तो किसी को 3 साल हो गया। मेरे माता पिता ने मुझे मरा हुआ समझकर मेरे अंत संस्कार कर दिए, मैं किस मुंह से चली जाऊं? भगवान, हम स्त्रियां हैं, हम स्त्रियों की लाज होती है, मान सम्मान होता है, किस मुंह से चले जाएं? क्यों बचाया? मर जाते, कौन है संसार? आज ठाकुर जी ने कहा, टेंशन नहीं करो, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। आज भगवान ने 16,100 मंडप लगाए, उतने स्वरूप बनाकर भगवान ने आज सभी के साथ भगवान ने विवाह किया। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। कितने हो गए? बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब भगवान ने, भगवान के यहाँ एक रानी के यहाँ 9 पुत्र 1 कन्या का जन्म हुआ। कितने? एक रानी के 9 पुत्र और 1 कन्या का जन्म। अब आप लोग पढ़े लिखे हो तो टोटल कलियों के पूरे मोड़ी मोड़ा भगवान के कितने कहते पूर्वी करें गुरु जी 10 रहते। बेटा पढ़ लो, मौका है अब। इसलिए तो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। कैसी क्या? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हमने जीवन में कभी किताब नहीं छी। देखो आज ठाकुर जी के सामने आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। जब तक लोग कहते गुरु जी हम पढ़ सो मन नहीं लगा। अरे भैया मन लगाना पड़ता है। तो आप लोगों से गर्भवत निवेदन है, आप लोगों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक आवश्यक सूचना है, जितने भी विद्यार्थी बैठे हों, कि कई लोग हमारे विद्यार्थी क्या करते पता? कि 2 ही बेरा पढ़ाई करते हैं। 2 ही बेरा समझते ना, शाम के शाम। के शास्त्र कहती भागवत में लिखा है कि जो बच्चे 2 ही बेरा पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ने की बुद्धि कम हो जाती है। सब भागवत ना 2 ही बेरा हमें पढ़ना चाहिए, ना 2 ही बेरा हमें भोजन करना चाहिए, ना 2 ही बेरा हमें खाना चाहिए। और जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, उसके लिए बहुत हाल साल तत्काल में स्पेशल उपाय। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, पढ़ाई में मन नहीं है, देखो उपाय बहुत अच्छा है, आप लोग कर सकते। क्यों? घड़ी साबन पर लिखा रहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या लिखा रहता? आवाज नहीं आ रही। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने जीवन में इस्तेमाल तो किया, विश्वास किया, इसलिए मंच पे ही वही बात बोलता हूँ। जिस पढ़ने में विद्यार्थी का मन नहीं है, एक मोर पंख लेके आए और ठाकुर जी की मूर्ति के नीचे 2 दिन उसको विराजमान करें, मोर पंख को 2 दिन के लिए।
और दो दिन बाद उसी मोर पंख को तोड़कर या तो काले धागे में हाथ में पहन लें या गली में पहन लें। मैं लिख के देता हूँ कि 30 दिन के अंदर आपका पढ़ने में मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। गारंटी है भक्तों, गारंटी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब आदमी का गुरु जी कथा तो बूढ़े निकली, अब बूढ़े जावे सुन भी। हम तो जवान हैं, हमारी कथा में तो आ है चीज मिले। क्या चाहने बताओ? ठाकुर जी की कृपा है, कभी मैं भागवत का अपमान नहीं करता, भागवत से नहीं बोलता। मंच पे बैठ जा, बैठ जा मंच पे। हम तो जाकर के भगवान व्यास गद्दी आप चलाते हो, कौन चलाते हो? आप आगे बैठा रहे, हम तो पीछे बैठ गए। हम तो एक बार पीछे बैठे, बनाओ सो आपका काम है और बिगाड़ो सो आपका काम है। नाम तो आपका बदनाम होगा, हम तो पीछे बैठे। आप जानो भगवान की कृपा से जैसे मंच पे बैठते, बैठने के बाद ऊपर से कथा आती है, मुंह के द्वारा आपको श्रवण कराते हैं। ठाकुर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। टोटल हो गए कि नहीं हो गए? कितने भाई जी आजकल की औलाद देख लो। अब कद के हमारा मोड़ा कलेक्टर बने, देख लो हिसाब लगा नहीं पाओ। हमने कही थी कि एक रानी के यहाँ 9 पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ था, 16,108 रानियां पूरे टोटल मोनी मोड़ा कितने भाई बताओ जल्दी हाल साल तत्काल में। भैया जी के माता पिता बैठे हुए देख लो अपने मोनी मोनी की पढ़ाई जाया है। अब इन गलती इनकी नहीं है ना, गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी नहीं है। काय कि बाप मताई ने आजकल जैसे स्मार्ट मोबाइल दे दे ना ऐसे भाई। पहले के अगर कोई आपके गांव में 70 साल के दादा हो, अब उनसे जाकर करोड़न का हिसाब लगवा लो, उंगली पे लगा देंगे कि टोटल कितना है। पहले लोग स्मार्ट होते थे, मोबाइल डैड चलाते थे, अब मोबाइल स्मार्ट चला रहे फिर डैड हो गए। कछु हिसाब लगा, गुरु जी एक मिनट रुक जाता टोटल कर लो। अरे चूल्हे में जाओ फिर तुम्हारी पढ़ाई का काम की काय का पढ़ा हैं? काय का पढ़ रहे भैया, पढ़वो ही छोड़ दो, मंजूरी करो। तो आज भगवान ने 16,008 प्रभाव किए, आपको लास्ट में टोटल बताया जाएगा, तब तक आप जोड़ सकते हैं बैठे बैठे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज रुक्मणी के यहाँ एक लाला का जन्म हुआ, उनका नाम भगवान ने प्रद्युम्न रखा। क्या प्रद्युम्न? के भगवानम देव रूपम शरणागतम बंदनम। आज भौमासुर आया, उस बेटे को लेकर गया और मारने का प्रयास किया तो समुद्र में उसी बेटे को फेंक दिया। मछली ने मुंह खोला, वो लाला जाकर मछली के पेट में प्रविष्ट हो गया, प्रविष्ट हो गया। भौमासुर ने सोचा कि मुझे मारने वाला मर गया, आज कहने मदरा पियो, मछली को लाए। एक मछली को भौमासुर ने कटवाया मछुआरन से, तो उसी में एक बच्चा मिला। भौमासुर ने कहा इसे भी मार डाल। तो मछुआरन ने कहा राजा अगर पुराना मानो तो हमारे तो औलाद नहीं है, जो मोड़ा हम ही पालना है, राजा कहने ले जाओ। तो आज प्रद्युम्न धीरे धीरे उसी राज में लालन पालन होने लगे। उस मछुआरन को रसायन विद्या आती थी, कौन सी विद्या? आवाज नहीं आ रही। रसायन विद्या होती थी, अगर 5 साल के मोड़ा पे प्रयोग कर दो तो वो मोड़ा कम से कम 1 मिनट में 25 साल का हो जाएगा, ऐसी विद्या। अगर वह आज होती अपन के लगा दो सब मोड़ी मन पर परेशानी नहीं होती। तो आज प्रद्युम्न बड़े हुए और दोनों को युद्ध ललकारा। आज प्रद्युम्न ने भौमासुर का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया जयकार की आवाज नहीं आ रही। और खाने भंडारो आज रात के 12 बजे तक है, लेकिन जो जयकारा लगाए वही के लाज मिले, है ना। बोल वृंदावन बहलाल की जय हो। अबे आप
बानी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। काय को नाक कटवाए जा रहा है, इसे अच्छे तो हम ही बोल बोल। एक कामदेव कौन है, प्रदुम कौन है पता? जब जब भगवान ने सती ने अपने प्राणों को त्यागा था तो भोले बाबा अनंत समाधि में चले गए थे, तो कामदेव को बुलाया और रति को कहा कि इनको नित्य कर कर भोले बाबा की समाधि को दूर करो। कि पाप हम पाप कर्मा हम पाप हे आत्मम त्राहिमा पार्वती नाथम। आज जैसे नृत्य किया भोले बाबा ने अपने तीसरी नृत्य को खोल दिया तो आज कामदेव जलकर भस्म हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कामदेव मरे तो सबने की भोले बाबा आपको जगाने के लिए ऐसा किया था, आपने कामदेव को नष्ट कर दिया। तो भोले बाबा ने कहा टेंशन नहीं करो, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, रुक्मणी से जिस लाला का जन्म होगा वो और कोई नहीं कामदेव होंगे। तो आज वही कामदेव हैं और कामदेव का विवाह रति के साथ बड़े धूमधाम से किया गया। सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से उनका विवाह किया। कि रूपम देव रूपम भगवान वंदनम शरणागतम देव वंदनम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भागवत सबों समझ में तो आ रही के नहीं आ रही, नहीं आ रही। सब लोग टेंशन में बैठे जैसे काना उसे कछु होगा हो, क्या बात है बताओ? बराबर लग रहा काय को बराबर तो हमें लग रहा हूं का बताए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक भागवत से बात आ जाए सुनाई दाई है। एक पता वृंदावन से पंडित जी भागवत सीख कर आए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनियो तो समझ में आ जाए। समझने वाले को इशारा काफी होता है। एक पंडित जी आए वृंदावन से, अच्छे धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अच्छे आते विद्वान थे। तो पंडित जी आए ना ट्रेन से आ रहे थे बढ़िया। तो पंडित जी ने सोचा, रात का समय था, पंडित जी को बड़ी भूख लगी ना, पंडित जी ने स्टेशन पर उतरे फलार वगैरह। पंडित जी ने एक किलो सेब लहसुन जेब में हाथ डाले, पंडित जी की जेब में, पंडित जी के जेब में पैसे नहीं आते। अब सेब पकड़ने महाराज पैसा तो कर हमारे पास तो है नहीं, बोले हमारी जेब काट गई। पंडित जी कहने पंडित जी ठीक है कैसे ले जाए? पंडित जी कहने नहीं, हम ब्राह्मणों में स्वाभिमान होता है। क्या होता है? हम लोग झुकना पसंद नहीं कर सकते, कुछ हो जाए अगर गलती होगी तो झुक जाएंगे, गलती नहीं होगी तो सिर भी कटवा देंगे। तो पंडित जी कहने भैया अब हमें फल तो चाहने नहीं है, कम से कम भी टिकट ही दे जाते, सुबह टिकट ले गए, अब हम ट्रेन में भी नहीं बैठ सका। तो पंडित जी कहने ठीक है अब नहीं जा रहे। पंडित जी ने पास को गांव देखे, बुरई नहीं मानो तो आपके गांव को नाव ले लें, बुरई तो नहीं मानो ले लें कि नहीं ले आपके गांव को नाव, बुरई नहीं मानो सो देखो ले लें, बोले ले तुम हम क्या करेंगे अभी रात के जाने हैं। तो पंडित जी उतरे तालबेड़ से, तेरे फाटक से आके धमका नामे आ गए, कितने आ गए अच्छे हते लाल कुर्ता पहने थे, बड़ी अच्छे पंडित जी हते बनारस के, पीरो कुर्ता पहने थे पंडित जी, गमछा लाल डाले थे। पंडित जी आए कहते बिरादरी भजन में बहुत प्रेम हो। तो पंडित जी कहने की गांव में कोई पंडित जी है धमका नामे कहने हो,
देखो बड़ी नहीं मानियो कथा ये समझा रहे फॉर एग्जाम्पल क्यों अगर कहीं बाहर से समझाए तो आपको समझ में नहीं आए इतने से जे तुम ये गांव से समझा रहे तो इतने आए तो गांव के पंडित जी हैं क्या पंडित जी कहने बताओ पंडित जी कहां से आए कहने वृंदावन से आए थे हम बाहर जा रहे थे किसी ने हमारी जेब काट ली क्या कर पंडित जी कहने बताओ का सेवा कर सका कहने के हम भागवत कह ले हमसे भागवत करवा लो हमें कुछ पैसा दे दियो तुम अपने घर चले जाओ पंडित जी कहने उसी ले जाओ 100-500 रुपए चले जाओ कहने नहीं फ्री का नहीं चाहिए पंडित जी कहने अगर मेरा ना हो तो मैं 1,00,000 नहीं लूंगा अगर मेरा होगा तो 1 रुपए नहीं छोड़ूंगा पंडित जी अब ऊ गांव में कहूं भागवत भाई नहीं है तू भाई साहब आज तक ऊ जान दी नहीं है तो भागवत चीज कहया पंडित जी कहने अब चलो छोड़ो हम सुबह रहे हमारे इस गांव के बहुत लम्बड़दार हैं पटेल साहब बहुत बड़े पैसा नवाब हैं उनसे बात करें अगर भी तैयार हो जाए तो देखा था सुबह रहो भाव पंडित जी गए गांव के काय पटेल साहब कहने कहया कहने एक मरा जाए भागवत कर ले कहने भागवत कर कहने कहया जा भागवत कहने हल्ला कर रहे सुबह कहया जा भागवत पंडित जी पटेल साहब पंडित जी पे चले आने से पंडित जी को बहुत गुस्सा हो भगा दो अब लेकिन जो पटेल साहब की मोड़ी मोड़ा हाथों से भी रोने लगे कहने पापा पापा हमें भागवत देखने हैं देखने हैं इतनी कह के पंडित जी तो चले गए लेकिन मोड़ी मोड़ा इतने रोए के उन्हें रो रो के बड़ा हाल कह दो सुनने बुला पंडित जी लो आ ले महाराज के लाज में भागवत दिखा देवे मोड़ी मोड़ के लाज में मोड़ी मोड़ा और रो रहे अभी बनारस के पंडित जी बैठे थे कहने पटेल साहब ने बुलाओ तो चलो भागवत नहा तो लंदो कर लगाए नहाने पंडित जी कहने बड़े बड़े बुद्धिहीन आदमी पंडित जी जल्दी जल्दी वो माँ पुत्र वाहा मंत्र पड़े कहने हो चलो हम लोग तो जब बेटी हैं पहले कपड़ों में पुराण बनता था तो पटज्जा लई सीधे पहुंच गए पटेल साहब को लंबो चौड़ो मकान है तो बीच में एक पत्थर की चला डरी थी तो पटेल साहब वहीं पे बैठ के सब पुण्य न कर महाराज को देखो भागवत हो तो व्यास गति तो चाहनी है नहीं चाहनी है देखो जैसे हमें मिली ऊंची गद्दी रह जब तो भागवत सुनाए तो महाराज गए सो पे बढ़िया पट्टा पे ऐसे बैठ के पथरा पे भागवत धन नहीं मोणी मोड़े को ठट लग गो चार ही तरफ महाराज कह रहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत विनाशायो श्री कृष्णाय वयो नमः अब पूरे गांव भर के मोड़ी मोड़ा ऐसे बैठे ऐसे अब मोड़ी मोड़ा क्या सोच रहे कि भागवत कछु जादूगा महाराज मंत्र पढ़ रहे सी पुटज्जा में से कछु निकरे और हमन हो रहे देखें कहू गांव में कहूं भागवत भई नहीं हती अब घंटा को हो कछु नहीं भाव पटेल साहब आए रोटी खा के गर्मियन के महीना हते पटेल साहब वही पे लेटते से महाराज काना से बैठे थे सो पटेल साहब आए तो महाराज की जांग पे मुड़ी धर के सो गए अब महाराज कह रहे सच्चिदानंद रूपाय पटेल कह रहे खर्राटे ने लगे पटेल साहब आप कहे गर्मियन में अच्छो खा लो सो नींद भी अच्छी आओ महाराज जैसा मन तो ठावे पटेल साहब कहे महाराज कहे मंगलम महाराज अब डिस्टर्ब हो गए कहे कि भागवत एक ऐसी चीज है अगर शांति होगी तो बोलने में मन लगेगा अब भैया महाराज ने कहे कि चलो ठीक है पटेल साहब उठो तो भागवत थोड़ी उठो तो अब वो आदि नींद से उठ गया जो गुस्सा भी बहुत था पटेल उठे गुस्सा में महाराज ने एक कई गाल में पट पड़ी महाराज कहने का है मारे का महाराज ने कहे मां जान दो भागवत महाराज ने बाएं चढ़ाई और दे पटेल ने पटेल कह रहे बचाओ और कभू पटेल मार रहे सो महाराज कह रहे बचाओ गांव में वे गोल गोल कुगा नहीं होती सी धर वे दो ही जने जाकर लड़त लड़ में धम्म से गिरे सो कहूं महाराज की आवाज क्या रही है बचाओ वो कहूं कर महाराज कह रहे बचाओ कहूं कर पटेल कह रहे बचाओ गांव भर के पूरे हंस रहे कह रहे अरे राम राम ऐसी है खुद भागवत क्या कह रहे लेकिन बचा को नहीं रहो
हजार आदमी खड़े थे बचा को नहीं रहो ऐसी यहूद भागवत अरे राम 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 ताली तो बजाते चलो सब लोग पटेल को खून करे आओ महाराज हमें छोड़ दो आ बचाओ महाराज देते ही जा रहे देते हम पटेल नहीं के हे परमेश्वरी भागवत का ले आओ महाराज कहने 4000 रुपए जा दे पटेल नहीं दूर से फेंक दे महाराज ने जेब में धरे बढ़िया अच्छे तैयार भाई नसेनी डारी महाराज ने भागवत उठाई और बढ़िया पांव पर के चले गए पूरे गाँव के ऐसे देख रहे कि भैया पटेल तो बड़ो आदमी है तो सुने करा ली भागवत अपन को लग जाती तो अपन का कर दे पटेल तो नपट का बड़ो आदमी पटेल बड़ो आदमी है तो सुने करारी भागवत तो भोग ली अपन नहीं करा अपन भागवत ऐसी योद भागवत चलते हैं प्यारा सा भजन गान लेती हूँ बस थोड़ी देर बाद आज कथा का विश्राम है बोले भक्तवत्सल भगवान की जय क्यों आप लोगों से तुलसी अर्ज किया है क्यों आज के बाद रात के 12 के बाद नजारे वही होंगे जैसा पहला धमकना था नजारे वही होंगे आसमान के सितारे वही होंगे आज क्या है आप लोगों की तारीफ में क्या